प्रदेश के कैबिनेट मंत्री वीएल वर्मा ने आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कृषि कानून वापस लिया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरियादिली है और वह जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं और जनता के हित में लेते हैं। हम किसानों को समझा नहीं पाए और विफल रहे। कृषि कानून को लेकर विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा था, उनकी रोटियां सेकना बंद हो गया है और किसानों ने संतोष जताया है, खुशी की लहर है। अधिकांश किसान छोटे किसान हैं, उनको कुछ राजनीतिक दल बरगला रहे थे, भड़का रहे थे, अपना फायदा उठाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने उन सब पर विराम लगा दिया। लखीमपुर कांड को लेकर बोले, ये जांच का विषय है, इसमें कुछ टिप्पणी करने का समय अभी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो फैसला लेते हैं वो बहुत ही सोच विचार के, देश हित में, और ये फैसला खासतौर से किसानों के हित में। जब किसानों के लिए कानून बनाया गया था तभी फैसला उनका विचार करके सोच समझ के किसानों के हित में बनाया गया था, लेकिन कुछ संगठन विरोध कर रहे थे और हमने उन्हें समझाने का भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हम पूरी तरह से उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। तो बाद में लगा कि किसानों की भावनाओं को देख करके ये जो फैसला कल लिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उन संवेदनाओं को जो किसान की भावनाओं से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनका सम्मान करने का काम किया है और बड़ा दिल करके ये फैसला लिया है। मैं माननीय मोदी जी को इस फैसले की धन्यवाद देता हूँ। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूपी चुनाव को देखकर लिया है, 10 महीने पहले भी ये फैसला लिया जा सकता। विपक्ष कब क्या बोलता है ये विपक्ष बता सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश हित में, किसानों के हित में, जनहित में जब जब जो फैसले लगते हैं वो लेते हैं और उनके फैसले सही साबित होते हैं। प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री से कहा है कि आपकी नियत साफ है तो गृह मंत्री क्यों नहीं बर्खास्त किया? देखिए, गृह राज्य मंत्री, यह विषय जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि जांच का विषय है, जांच चल रही है और जांच में अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तभी विषय सामने आएगा। अभी इस प्रकार की बातें कहना ये ठीक नहीं। सब पहले ये कहा जा रहा था कि लगातार कई केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये जो किसान आंदोलन है किसान नहीं कर रहा, किसान खेत में काम कर रहा है, ये विपक्षी संगठन कर रहे हैं। तो क्या ये विपक्षी संगठनों के दबाव में, विपक्ष के दबाव में लिया गया है, कैसे फिर? देखिए, किसान कानून के संबंध में मैं कहूँ तो 92% किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं, वो अधिकांश आज भी इस कानून से बहुत ही खुश थे, काम कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ किसान जिनको समझा नहीं पा रहे थे और आंदोलन कर रहे थे या सड़कों पर बैठे हुए थे, हमने उनकी भावनाओं को देखते हुए माननीय मोदी जी ने देखा कि अगर उनकी भावना इस प्रकार की है तो मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ा दिल किया और संवेदनाएँ उनके प्रति रखते हुए ये फैसला किया।